Subscribe to my channel and never miss another update. वेलकम बैक टू माई चैनल. सबसे पहले मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ. आप सब लोग मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड सॉरी बिकॉज लास्ट वीक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं दो इवेंट्स के बीच में थी जिसमें मैं काफ़ी बिजी थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है. तो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझे DM और मैसेज भी किया हुआ था कि हम पिंपल्स को किस तरह से क्योर कर सकते हैं, इस चीज़ पे वीडियो बनाने के लिए. तो मेरा आज का वीडियो है इसी के बारे में. मैं आपके साथ 3 सिंपल होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपकी पिंपल्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और शायद क्योर भी हो सकते हैं. तो जब मैं मिसेज इंडिया में पार्ट ले रही थी, मैंने काफ़ी अपनी स्किन की तरफ, अपने चेहरे की तरफ ध्यान दिया था. तो ये जो होम रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो ट्राइड और टेस्टेड फार्मूलाज है जो मैंने अपने खुद के ऊपर ट्राई किए हुए हैं. उनमें से जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है वो रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं. हम सब जब बॉर्न होते हैं तो हमारी स्किन बहुत ही अच्छी होती है, बट जैसे जैसे साल गुजरते हैं आपको पता ही है कि हमारी स्किन कुछ ना कुछ कभी ना कभी रिएक्ट करती ज़रूर है. या तो हमें ड्राई स्किन की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है या फिर हमें पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाता है. ये सभी के लाइफ में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं और मुझे भी इन सब प्रॉब्लम्स से फाइट करना पड़ा है. लेकिन इन सब होम रेमेडीज़ को ट्राई करके मेरी स्किन काफ़ी क्लियर आउट हो चुकी है. और इन होम रेमेडीज़ का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और आप बिल्कुल आसानी से घर पर मिलने वाली चीज़ों से ये ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि हमारी सबसे पहली होम रेमेडी हम किस तरह से बनाएंगे. रेमेडी नंबर 1 है हनी सिनेमन और लेमन फेस मास्क. हनी जो है ये हमारी स्किन के अंदर के मॉइस्चर को हमारी स्किन के अंदर ही लॉक करने में हेल्प करती है. इसमें कई सारे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है और बिना हमारी स्किन को इरिटेट किए ये इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करती है. सिनेमन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है और ये हमारे एक्ने को ड्राई करके उसको कम कर देता है. लेमन एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है और ये हमारे डार्क स्पॉट्स और स्कारिंग को रिड्यूस करता है. इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरह से मिलाना है. इस तरह से इसकी एक पेस्ट बना लेंगे. फिर हमें अपने फेस को वॉश कर लेना है और जहां जहां पे हमें एक्ने या पिंपल्स है वहां पे इस पेस्ट को अच्छे से लगा देना है. मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून हनी, 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर और 5 to 7 लेमन ड्रॉप्स लिए हुए हैं. आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो. इसको हम हमारे फेस पर 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे और जब ये पेस्ट ड्राई हो जाएगी तब हम अपना फेस वॉश कर लेंगे. रेमेडी नंबर 2 है क्लव एलोवेरा और मिंट का फेस मास्क. क्लव में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है और बहुत सारे एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स में क्लव ऑयल होता है. मिंट लीव्स में विटामिन ए और विटामिन सी है जो हमें क्लियर स्किन देता है और मिंट में जो मेंथॉल होता है उससे हमारे स्किन की हीलिंग भी होती है. एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है जो बैक्टीरिया को प्रिवेंट करके हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है. जैसा मैंने आपको रेमेडी नंबर 1 में दिखाया, इन सब चीजों को भी हमें अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनानी है और फिर फेस को वॉश करके इस पेस्ट को पिंपल या एक्ने अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना है. यहाँ पे मैंने लिए है 5 से 7 क्रश मिंट लीव्स, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल और 1 टीस्पून क्लव पाउडर. हल्के से इसको अपने फेस पे स्क्रब कीजिए और आधे घंटे के बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए. रेमेडी नंबर 3 है बेकिंग सोडा और पानी. पिंपल्स में जमा हुए डेड स्किन सेल्स को बेकिंग सोडा कम कर देता है. इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड भी है और इससे एक्ने स्कार्स भी बहुत कम हो जाते हैं. यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लिया है और पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना दिया है. आपको अगर ज्यादा पिंपल्स या एक्ने मार्क्स है तो आप ज्यादा बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं.
अपना फेस वॉश करके हमें इस मिक्सचर को अपने पिंपल्स या एक्ने पे लगा देना है। हम इसे 5 से 7 मिनट तक स्क्रब करेंगे और फिर गुनगुने पानी से वॉश कर लेंगे। ये थी 3 सिंपल होम रेमेडीज जिसका उपयोग करके आप अपने पिंपल्स या एक्ने मार्क्स को रिड्यूस और क्योर कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने क्या कंपेयर या क्या इवेंट्स किए थे, तो मैंने लास्ट वीक जियो फिल्मफेयर अवार्ड्स मराठी का रेड कार्पेट का कंपेयरिंग किया था जिसमें मैंने कई सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लिए थे। तो आप ये सब चेक कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल नेम है नेहा देशपांडे 3010, उस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का बटन प्रेस कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब हो जाएंगे। इससे आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस कोई भी मिस नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और कई वीडियोस बनाऊं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द एक ऐसा ही नया वीडियो लेकर। चलें, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच।